तुम बिग बॉस क्यों नहीं करना चाहते? ये सब तुम सोच के आई थी ना? So honestly I auditioned for OTT this season और मेरा नहीं हुआ। मुझे ऐसा थोड़ा लगता है कि उसको अच्छी नॉलेज होगी बॉक्सिंग की। ठीक है, शायद बिग बॉस की नहीं थी। हर कंटेस्टेंट में कोई लड़की है कोई तुम्हें जो पसंद आई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सच में कोई भी नहीं लगी मेरे को। देखते हैं नेक्स्ट OTT में कौन आती है। चालाक ब्रो। विशाल अच्छा लड़का है। हाँ, मतलब वो बहुत स्वीट है। हाँ, इसलिए सना मकबूल को बोला, वो क्या बोलते हैं बोटॉक्स लिप्स। किसी को भी आप उठा के कोई प्लेटफॉर्म दे दोगे। I mean nothing against her. Hey guys, what's up? Welcome back to the reaction video. और आज हमें ज्वाइन करने वाली है श्रेया कालरा। कालरा। Yes. So guys, आज का टॉपिक है बिग बॉस। बिग बॉस। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि तुम बिग बॉस क्यों नहीं करना चाहते? ये सब तुम सोच के आई थी ना? नहीं, ऐसे नेचुरली आ रहा है। यार मैं बिग बॉस करना चाहता हूँ मगर पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे मुझे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। मेरी माँ को प्रॉब्लम है, वो नहीं चाहिए मेरी अम्मी को कि कोई सामने वाला मुझे चिल्लाए और मैं एग्रेसिव होकर उससे झगड़ा करूँ। तो वो मेरी माँ देख नहीं पाएगी टीवी में, प्रॉब्लम ये है। मम्मी की वजह से। मम्मी की वजह से। अच्छा तुम्हें आएगा OTT तो तुम करोगी? तो ऑनेस्टली आई ऑडिशन फॉर OTT दिस सीजन और मेरा नहीं हुआ, पर जब मैंने देखा सीजन में कौन कौन आया है आई वाज लाइक थैंक गॉड मेरा नहीं हुआ। सो लेट्स गो गाइस। मुझे पता है कि आपको कोई भी चैलेंज मिले आप पीछे नहीं हटते। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक तो मैं जाट हूँ जी और दूसरा हरियाणा का हूँ, चैलेंज से पीछे तो हटते ही नहीं जी। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप चैलेंजेस को? भाई जैसा अगले वाला करेगा उसको वैसे काउंटर मारते हैं, बॉक्सिंग भी ऐसी है जी। ये निकल गया ना लेकिन ये यही वीक निकल गया है। नीरज बहुत अच्छा बॉक्सर है और नीरज ने रिसेंटली जेक पॉल को चैलेंज दिया है फाइट का, पता नहीं वो स्क्रिप्टेड था कि नहीं, बट इन लोग वापस आ गए इंडिया और फिर उसके बाद मैं अब इसको बिग बॉस में देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि अगर जेक पॉल और नीरज की फाइट होगी ना तो शायद नीरज जीत जाए। मुझे ऐसा थोड़ा लगता है कि उसको अच्छी नॉलेज होगी बॉक्सिंग की। ठीक है, शायद बिग बॉस की नहीं थी। नीरज भाई तेरा कितना साइड ले रहा हूँ मैं, आ जाना लॉन्ग ड्राइव विद पैसे में, समझाना। ऑडियंस बोलेगी कि श्रेया बहुत बुरी लड़की है यार, ये सबकी बुराइयां कर रही है यार। श्रेया तुम तो आते ही नेगेटिव हो गई यार। झूठ बोल रहा है। नहीं चलो चलो आगे बढ़ते हैं। इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी आप अंडरग्राउंड क्यों हो गए? ओह नेजी दा बा, इसे जानती हो तुम? वो वैसा रोल मैंने इसकी रील्स देखी है। गली बॉय पिक्चर देखी हो? हाँ, इस पे बनी है। इस पे बनी है। रैप को लाने वाला नेजी है। देखो यार मेरे को शुरू में ना थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये थोड़ा सा ऑफ चल रहा है बिग बॉस में, मगर बिग बॉस का घर ही ऐसा है कि मतलब थोड़े टाइम बाद इंसान को खुल जाना पड़ता है, जो रियल उसकी पर्सनैलिटी वो बाहर आ ही जाती है। आई थिंक बिग बॉस में ऐसा है यू कांट वेट, मतलब आप जाते से आपको खुलना पड़ेगा, आप वेट नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है ना। हाँ हाँ, मतलब पहले चले जाओ शो में, वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, गजब बेइज्जती है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट नेजी? तुम्हें लगता है ये जीतने वाला बंदा है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये शो में थोड़ा और ज्यादा खुलेगा ना तो ये जीत सकता है। हर कंटेस्टेंट में कोई लड़की है कोई तुम्हें जो पसंद आई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तुम्हारे टाइम ये सब सवाल नहीं करने का मेरे शो पे आके। क्यों 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 यार सच में कोई भी नहीं लगी मेरे को। देखते हैं नेक्स्ट OTT में कौन आती है। चालाक ब्रो। वाह यार वाह, मतलब कसम से मेरे को ऐसा लग रहा है मैं रिएक्शन वीडियो की पॉडकास्ट चालू है मेरा। मगर आपके कुछ जिगरी दोस्त जैसे मुनावर है और स्टैन है, करेक्ट, तो दोनों ही बिग बॉस के विनर रह चुके हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा ये पेयर प्रेशर है जीतने का या कॉन्फिडेंस है? दोनों है, क्योंकि हमारे कम्युनिटी से उन लोग ने हिप हॉप को रिप्रेजेंट किया था और उन लोग ने ट्रॉफी लेकर गए, तो एक तरीके का प्रेशर भी है। इसकी मैंने एक रील देखी थी, बोला था कि आप ना क्या सोचते हो किसके बारे में, बोलता मैं कुछ भी सोचता हूँ यार, मैं चीटी ऐसे क्यों चल रही है मैं ये सोचता हूँ। मैं उसके उस पर गाना लिख देता हूँ चीटी क्यों चल रही है ऐसे। ये वाइब चाहिए मुझे, मतलब उसने इतना चिल, मुझे अपना लाइफ पार्टनर भी चाहिए कि वो उसको फर्क नहीं पड़े मैं क्या कर रही हूँ जिंदगी में। वो कुछ पूछे ही नहीं मुझसे क्योंकि वो बिजी है चीटी को देखने में। बोलोमी जी ये मसला मैं बात करूंगा, किस घर में किसी का भी झगड़ा चलता रहे मगर आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, करेक्ट? हाँ यार, मतलब 8 घंटे थोड़ा तो मिलना चाहिए वरना इंसान बौखलाया जाता है। ये पॉइंट पे मैं हूँ, मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, मैं डेली कंप्लीट करता हूँ 8 घंटे की नींद। 12 घंटा? यस। अबे मगर 12 घंटा तुम सो कैसे लेती हो? 12 घंटा हो जाता है 12 घंटा। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। नहीं, मुझसे ज्यादा बिग बॉस के कंटेस्टेंट गुस्से वाले हैं। अगर हम बिग बॉस के आपको कैसे पता कि उनका गुस्सा कैसे है? जब मुझे बिग बॉस देखिए सुशोभा जी आप जैसे जब रिपोर्टिंग करती है ना तो पूरा रिसर्च रेफरेंस। अगर सच में जेन्युइनली अगर दीपक इतने एज वाले नहीं होते ना तो और उनका दिमाग इसी तरह चल रहा होता उनके यंग एज पे भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपक जीत जाते हैं। दीपक मुझे अच्छी पर्सनालिटी लगते हैं, दीपक अपना जो ओपिनियन शेयर करते हो वो बहुत सही ओपिनियन होता है। एंड आल्सो आई फील कि वो जर्नलिस्ट हैं तो उनको आदत है अपना पॉइंट रखने की। यस, तो वो कभी वो मिस आउट नहीं करेंगे। यस राइट। तो मैं भी जो है मैं उसी तरह का काम बिल्कुल करने वाला हूँ रिसर्च करके आए हैं पूरा। मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है, रहा नहीं जाता ऐसे नेचुरली पूछ रही हूं यार, इसकी मैं नेचुरली पूछ रही हूं यार, मैं नहीं बोल रही भाई यार। जिप इट करप्ट क्यूबर, ये नाम कहां से आया? सर जब मैं कॉलेज में था ना, मतलब ये बंदा मुझे तगड़ा लगता है भाई। कौन? कटारिया। कटारिया कटारिया कैसी पर्सनालिटी लगती है तुमको? कटवाने गया है अपना वो ओवर कॉन्फिडेंट है, किसको लग रहा है कि हाँ ये सब मैं करूंगा तो मैं ज्यादा दिखूंगा। अच्छा, थोड़ा रियल और थोड़ा ऑनेस्ट आई थिंक हो सकता है, रॉ, क्योंकि लोग को रॉ ये सेम परसेप्शन मैं भी सेट किया हुआ था कटारिया को लेके शुरू के 4 से 5 एपिसोड में, बट ठंडा हो गया भी। सर मतलब हाँ, मतलब ये यहाँ आए हैं ये, और इन्होंने बोला, आपने पूछा नाम कैसा, मतलब नाम कूल है। नाम कूल है तो बट फॉलो तो करना चाहिए ना। सर मुझे शायद नहीं लगा रहेगा कि फॉलो करना चाहिए, क्योंकि या तो फिर जैसे इनको नहीं लगा रहेगा कि इन्हें मुझे फॉलो करना चाहिए। अब देखते हैं अंदर हमारी कैसी बनती है, कैसा होता है। बिल्कुल भाई, देख लेंगे, एकदम देख लेंगे क्या मैटर होता है अंदर। हो सकता है कि हमारी अंदर दोस्ती हो जाए, हम बाहर निकल के फॉलो कर ले, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इधर पे भी वो खुद ही सामने से उसके तरफ हाथ बढ़ा रहा है और उसको बोल रहा है कि हो सकता है कि हमारी दोस्ती हो जाए। और विशाल अच्छा लड़का है, मतलब वो बहुत स्वीट है। इसे मुंबई तक इतना लंबा सफर और अपने लाइफ में भी ये है शिवानी। क्या लगता है अंदर का सफर कैसा रहेगा? शुरू में बहुत, अंदर का सफर भी अच्छा रहेगा, अंदर जुनून है कि अच्छा करें, लोगों को करके दिखाएंगे, लड़कियां किसी कम नहीं होती हैं। शिवानी कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया, कहते रहे झक्कास। मुझे सना बहुत अच्छी लगती है, वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल, सॉर्टेड, हर चीज पे अपना पॉइंट रखती है। हमारे साथ है हाँ, अंदर मिले हैं आपका है। ओह हाय, आई एम सना, नाइस टू मीट यू। हम शिवानी कुमारी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। उनसे इंग्लिश में बात मत कीजिए, उन्हें पसंद नहीं है। आपको नहीं अच्छे लगते अंग्रेजी में जो बात करते ना? क्यों नहीं अच्छे लगा? हम गाँव से हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, गाँव वाँव कुछ नहीं होता, कुछ भी हम आपको सिखाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। एक और भी मैंने रील देखी थी जिसमें उन्होंने बोला कि अनिल सर ने बोला था कि शिवानी आपको ऐसी क्या उनमें फेक क्या चीज लग रही है, तो शिवानी ने बोला फेक, उसके आईलैशेस ही फेक है। किसके? सना के। सना के। फिर भी वो ऑफेंड नहीं हुई, हाँ। मतलब शी टुक इट इन अ वेरी नाइस एंड जॉय, मतलब फनी वे में उसने ले लिया। दांत दिन खुल गए सारे। ये पहले ऐसे ही होता है, पार्टनरशिप हाथ मिलाओ, अंदर जाके सब चेंज होने वाला है। बट इनका इतना नहीं हुआ, इनका इतना चेंज नहीं हुआ, इनका चल रहा है बॉन्ड, अच्छा दोस्ती है। हाँ दोस्ती है अभी तक। अचानक से बिग बॉस में जाने का डिसीजन कैसा रहा? आई लव दिस मैन। रणवीर भाई सबसे बड़े घर में सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इनका फैन बेस भी बनना स्टार्ट हो गया है, लोग इन्हें बहुत पसंद करने लगे हैं। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता है मालूम है ये बंदे का? इसने सना मकबूल को बोला, वो क्या बोलते हैं, बोटॉक्स लिप्स, और फिर उसके बाद में जब उसको मालूम पड़ा कि वो सना मकबूल को डॉग ने बाइट किया, डॉग बाइट हुआ है उसको और उसका पूरा सर्जरी हुआ है, उसने इतनी माफ़ी मांगा, और उस टाइम से इसका मूड इतना ख़राब है कि यार मैंने ऐसा कैसा बोल दिया, उसको बहुत गिल्ट हो रहा था अपने में। सर एक्चुअली मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं, आई थिंक इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। कितना सच बोला, देखा कितना सच बोला। तो ऐसा हुआ कि मेरे पास काम नहीं था, ऊपर से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा बेटा अपनी माँ के साथ जा रहा है गर्मियों की छुट्टियों के लिए अमेरिका, so he was not going to be with me, so I think this was a good time you know for me to do this, so ये तो सोच के मैंने हाँ बोला था। फिर मैंने जब एपिसोड्स थोड़े इनके देखने शुरू किए कि मैं क्या you know कैसा है शो क्या है, तब मुझे पता लगा कि मैंने एक्चुअली उसल में अपना मुंह दे दिया है, सर दे दिया है and now I just कितना सच बोल रहा है ना यार, कितना मज़ा आ रही है, मतलब ये जब भी आता है ना स्क्रीन पे मेरे को मज़ा आती है इसकी बातें सुनने में, इसके झगड़े देखने में, मुद्दे से मुद्दे की बात पे रहता है और सच्चा बंदा है। नहीं है कि मतलब बचपन से ही बड़ा पाव का स्टॉल लगाने का शौक था, सारी चीजें हैं, कहते ना किस्मत, किस्मत ने 2 साल पहले चंद्रिका वाई किसी को भी आप उठा के कोई प्लेटफॉर्म दे दोगे, आई मीन नथिंग अगेंस्ट हर, बट स्टिल बहुत सारे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में, बहुत सारे डिजिटल में है, टीवी में है, जो आई फील बहुत कुछ दे सकते हैं शो को। यार मैंने तो सुना था महीने का 5 लाख रुपए बना रही है, मेरे को बड़ा पाव बेचने का है मम्मी। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी, मेरा 3 साल का बेटा है, उस वक्त वो 6 मंथ 4 मंथ का था, तो मुझे सडनली जॉब छोड़ना पड़ा जस्ट बिकॉज मैं एक मदर हूँ, तो बच्चे का कभी भी डिमांड होता है, एक सिचुएशन का डिमांड हुआ, डिमांड के चलते चलते जॉब छोड़ा। कार्ड लगाई जाए, दिल्ली में हर इंसान कार्ड लगाता है, सेविंग से 10,000 की सेविंग था, उससे रेडी होता है ठेला, ठेला लिया और उतर गए रोड पे। अनिल कपूर इज ट्राइंग टू बी सो सैड। हां झूठे समझते, उनको लगता है कि ये दो बीवियां जो है ना ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई है, व्यूज के लिए रखी हुई है। फिर 8 साल बाद जो है कृतिका इनको मिली, वो भी मेरे बेटे के बर्थडे पे। कृतिका ऑलरेडी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, वो इनको बाद में जानती थी, पहले मुझे जानती थी। और बस वही बेटे के बर्थडे पे कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह खींची गई, तो कृतिका ने मुझे बोला कि फोटोज चाहिए, तो मैंने बोला तेरे जीजू के पास है, एक काम करती हूँ तेरे जीजू का नंबर देती हूँ, तू उनसे ले ले। वो फोटोज मांगना चाहती थी और फिर उसके बाद में फोटोज देते 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 दिल दे दिए, दिल नहीं सरनेम दे दिया। नहीं तो सरनेम रख यार, फोटोज क्या करेगी, लेकिन नहीं डर, अब तो दोस्तों से डर लग रहा है ब्रो। प्लीज वेलकम कंटेस्टेंट नमन। ये कार्ड रीडर है, टैरो कार्ड रीडर है, इसी कुछ बोलते हैं। तुम मानती हो इस पे? अंधविश्वास लगता है मुझे, जो मानता है ग्रेट, मुझे तो नहीं है। आइए मुझे ये लगता है सही, आप जानते हैं इनको? जब आया नहीं सही कहते हैं, बट यस हेलो हाय है, मगर अच्छा, मगर उसके ओपिनियंस मेरे को इतने स्ट्रांग नहीं लगते कंपेयर टू बाकी कंटेस्टेंट। ये फेमस और बड़े-बड़े लोगों की टैरो कार्ड रीडर हैं। मेरा ऑरा देखकर आपको क्या लगता है? आपका ऑरा सर, मुझे लगता है यू आर ऑफ कोर्स अ गो गेटर एंड अचीवर एंड रिस्क टेकर। तुम्हें मेरा ऑरा देख के क्या लगता है? कि जो है मुंह पे है, पीठ पीछे नहीं है। अगर पीठ पीछे है तो मतलब वो कोई बड़ी और गहरी बात होगी, इसलिए है। समझ में आया क्या बोला मैंने? जो है मुंह पे। अच्छा बोला, अच्छा बोला, नाइस। तारीफ कर रहे हो, बढ़िया लग रहा है, बुराई करते हैं बस। चलो मेरा तो बताओ। अरे यार डिफिकल्ट सिचुएशन, मुझे लगता है हेल्पफुल हो, इजी गोइंग हो, मतलब ज्यादा सोचते नहीं हो। बहुत सोचता हूँ। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। चेहरे में लाता हूं। हां खुद पे सोच लेता हूं। ओवरथिंकिंग करते हो कि घर पे? हां बट सामने इट्स लाइक वेरी इजी गोइंग, मतलब बात करने में ऐसा लगा नहीं मुझे कि यार इसके मन में कुछ और चल रहा है। आदाब। क्या बात है सना जी, क्या। अच्छा तो मेरे को एक बात बताओ, सना सुल्तान को तो तुम जानती हो, जब किसी से कन्वर्सेशन करती है, किसी से बातचीत करती है, तो वो उर्दू का बहुत लफ्ज यूज करती है। तो मुझे जानना है तुम्हें क्या लगता है, वो जानबूझ के ऐसा करती है कि वो रियल में वैसी है? यार देखो मैं मिली नहीं हूँ कभी। अच्छा। मतलब मैं एक बार मिली हूँ बट मेरी कभी उससे बात नहीं हुई, एक शूट पे मिले थे। बट अगर वो कर रही है वहाँ पर तो शायद ठीक है। तवक्कुल तलफ़ुज़, वो मुझे लग रहा है कि शायद वो घर पे करती होगी इसलिए वो कर रही है, क्योंकि इतने वर्ड्स जो है ना बड़े बड़े उर्दू के वर्ड्स वो जल्दी से नहीं आते आपके ज़बान पे। हाँ। यार वो है ना, मैं सारा को बहुत अच्छे जानता हूँ, ये हम लोगों के बहुत अच्छी दोस्त रही है और ये हमेशा ऐसी बात की है। हाँ। क्या परफॉर्मेंस दी, बिल्कुल नज़ाकत, क्या आपने 4 चांद लगा दिए हैं। मैं बहुत लोगों से मिल रहा था मगर थोड़ा सा भी क्या नज़ाकत है, क्या आराम से कंट्रोल मजनू। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी हो रही है आपसे। थैंक यू। तो कुछ बोली नहीं है यार, बस यार वो तो कुछ बोली नहीं है यार। सुनता नज़ाकत तो खून में। अच्छा